और कल का जो इलेक्शन बल्दियाती हुआ है इसमें कवरेज करने और हमारे मौक़िफ को पाकिस्तान के बिलखुसूस शहर कराची के आवाम तक पहुँचाने में जो किरदार मीडिया ने अदा किया है मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और एहसान है कि जमात इस्लामी कराची शहर में सबसे बड़ी सियासी और इंतखाबी कुव्वत बनकर एक बार फिर उभरी है। इसका बड़ा तारीखी कमबैक हुआ है और अवाम ने जमात इस्लामी पर, जमात इस्लामी की हकदो कराची को तहरीक पर अपने पूरे एतमाद का इजहार किया है। मैं इस मौके पर शहर कराची के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें वोट दिया और इबहाम में, कन्फ्यूजन में, एम्बिक्विटी में आखिरी लम्हे तक, जब ये हो रहा हो कि इलेक्शन नहीं होगा, जब चार बार मुलतवी हो चुका हो, ऐसे मौके पर जब अवाम ने एक माकूल तादाद में निकल कर वोट डाले हैं तो उसने उन सारे क़ुव्वतों को मुस्तरद कर दिया कि जो चाहते थे कि लोग बिल्कुल भी ना निकल सकें। तकरीबन 25% टर्नआउट हम देख रहे हैं कि हुआ है और हो सकता है अभी सही फिगर्स सामने आ जाएं तो अंदाज़ा होगा। हालांकि जिस तरह के हालात थे उसमें 10% लोग भी अगर निकल कर वोट डालते तो बड़ी बात थी, जबकि 30% वोटर लिस्टों में कम अज़ कम गड़बड़ मौजूद है कि जो जहाँ रहता है उसका वोट वहाँ नहीं है। तो ऑलरेडी आपके पास स्कोप कम था और फिर उसके बाद ये हुआ है कि जिस तरह से इबहाम रखा गया तो फिर भी मैं समझता हूँ कि माकूल तादाद में लोगों ने वोट डाला है। मैं कराची शहर के उन तमाम सियासी वर्कर्स और मुख्तलिफ जमातों के वो लोग जिन्होंने अपनी वाबस्तगी अपनी जमात से अगर रखी भी है तो कराची की बहबूद के लिए, जमात इस्लामी पर एतमाद किया है, कराची की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जमात इस्लामी पर अपने एतमाद का इजहार किया है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और वोटर भी हैं, इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी जो सपोर्टर और वोटर हैं वो भी हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट की है, हमें वोट दिया है, और इसी तरह मजहबी जमातें उनके सपोर्टर्स ने हमें वोट दिया है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं तमाम लोगों से जिन्होंने हमें वोट दिया, तवक्कोआत के साथ वोट दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने मौका दिया और जो मज़ीद इस वक्त साजिशें हो रही हैं अक्सरियत को कम करने की, अगर वो साजिशें इंशाअल्लाह जिस तरह बाकी नाकाम हुई हैं ये भी नाकाम होंगी तो फिर हम सबको साथ लेकर चलेंगे और हमारा ये साथ एक मजबूत रिश्ते में तब्दील हो जाएगा और ये रिश्ता इंशाअल्लाह कराची की तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। सरदस्त मामला ये है कि जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों ऐसी हैं जिसमें कामयाब हो गई है और बाकी जगह पर कुछ तकरीबन 10-15-20 के करीब यूसी ऐसी हैं जिसमें कन्फ्यूजन है, इबहाम है, तनाज़ा है और हमारा क्लेम है, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि हम सादा अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद हैं जिस पर रिज़ल्ट पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर के बनाए हुए और दस्तखत शुदा मौजूद हैं वो बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किए, इसलिए कि पहले मरहला तो ये था कि वही रिज़ल्ट फराहम नहीं किए जा रहे थे। रात हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अल्टीमेटम भी दिया, फिर बहरहाल फॉर्म 11-12 मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। ज़ाहिर हमें कोई जंग तो नहीं करनी थी, जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर हमने अपने एहतजाज को मौखर कर दिया। तो जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आ गए हैं उन रिज़ल्ट के मुताबिक आरोज़ से हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहे और बहुत सारे आरोज़, यानी आरोज़ वो हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर यूनियन काउंसिलों के हैं, उन जो आरोज़ हैं वो रिज़ल्ट रोक के बैठे हुए हैं और इसमें इस वक्त कोई मैनवरिंग करने की कोशिश की जा रही है। मैंने कल तमाम अथॉरिटीज़ से बात की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकज़ी और सूबाई लोगों से भी बात की, हमारे सेल ने भी, राजा आरिफ सुल्तान साहब ने भी बात की और इसी तरह मैंने CM साहब का भी फ़ोन आया था और वज़रा का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी ये कहा कि हम
फौरी तौर पर इस मसले को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो मैंने कहा कि आप बस कर लेंगे, आप कह रहे हैं तो कर दें। बहरहाल इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि पोलिंग को ख़त्म हुए 5 बजे से लेकर अब देखें इस वक्त 11:30 बज रहे हैं, अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि 11:30 ये और 7 वो 18 घंटे गुजरने के बावजूद इस वक्त तक आरोज से रिज़ल्ट जारी नहीं हुए, जबकि रिज़ल्ट तैयार हैं। तो फिर ये कर क्या रहे हैं ये लोग? लोग हमारे बैठे हुए हैं लेकिन आरोज हमें रिज़ल्ट नहीं दे रहे। कुछ जगहों पे फराम किए हैं, जिन्होंने किए हैं हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अक्सरियत जगह ऐसी है कि जहाँ हमारे लोग इस वक्त बैठे हुए हैं दो दो तीन तीन दिन के जागे हुए और वो वहाँ मौजूद हैं लेकिन आर ओ रिज़ल्ट फराम नहीं कर रहे। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करता हूँ कि हमें यह हक दिया जाए और जो आर ओज़ भी जिस पर हमें हमेशा से तहफ़ात रहे, जो आर ओज़ भी नतीजा तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं उनके हाथ अभी रोके जाएँ। ये तो कोई तरीका नहीं है कि हमारे पास फॉर्म 11 पर पूरा रिज़ल्ट मौजूद हो, प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों वाला मौजूद हो और आर ओ से जारी हो तो उसमें तब्दीली आ जाए। जब उसको बदल देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम अदालतों के बरसों चक्कर लगाते रहें और ये लोग जो है अपनी मर्ज़ी से अपना निज़ाम बना लें तो ये नहीं चलेगा। अगर जमात इस्लामी के मेयर को आने से ज़बरदस्ती रोका गया तो जमात इस्लामी के पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो खिलाफ़ वाक़िया हो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो सिर्फ एक सियासी भड़क हो, रेटरिक जिसे कहते हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। सीरियस बात यह है कि हमने बहुत मेहनत की है, हमने बड़ी तहरीक चलाई है, हमने अवाम से राबते किए हैं। हम एक पार्टी थे जो इलेक्शन कराना चाहते थे और सारी पार्टियां इलेक्शन नहीं कराना चाहती थीं। किस तरह से हमने मेहनत करके और जद्दोजहद करके ये इलेक्शन मुनक्किद करवाया है और जब इस मौके पर इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा किया तो हम में इतना हौसला मौजूद है कि तमाम तर शिकायात के बावजूद हमने इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ की, तहसीन की। लेकिन हम ये हक भी रखते हैं कि जिस मसले पर आप अच्छा काम करें और हम आपकी तारीफ़ करें तो जहां आप गड़बड़ करेंगे तो हम उसको एक्सपोज भी करेंगे। हम इसीलिए चाहते थे क्योंकि अगर हम इलेक्शन कमीशन पे ही भरोसा कर लेते और फॉर्म 11 ना लेते तो हो सकता है कि हमें तो ये बिल्कुल ही किनारे लगा देते। वो तो अल्लाह ताला ने हमारे कारकुनों को हौसला दिया कि वो खड़े रहे, डटे रहे। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बाज़ यूनियन कौंसिलें ऐसी हैं कि जहाँ ज़बरदस्ती ये नतीजा तब्दील करवाया गया है। मसलन गुलशन इकबाल टाउन में UC 8 है, 7, जहाँ बाकायदा यहाँ हुआ ये है कि जितने नंबर ऑफ वोट कास्ट हुए उससे ज़्यादा जो है वो जो हमारे उसमें उसके फाइल में थे उससे ज़्यादा पर्चियाँ निकल आईं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने धांधली की है। तो जो आपने धांधली की है उसको हमने जब रोकने की कोशिश की, उस पर स्टैंड लिया, तो पुलिस के SHO के ज़रिए से आर प्रिजाइडिंग अफसर और डब्बे को उठा के ले गए। ऐसे ही ताहिर भाई प्रिजाइडिंग अदील अफजाल SHO प्रिजाइडिंग अफसर को भी ले गए और डब्बे को भी ले गए। ये नहीं चलेगा। मैं मुराद अली शाह साहब से कहना चाहता हूँ कि इसका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से भी है लेकिन आपकी हुकूमत से भी है। हम इस सीट को कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम एक एक करके सीट अपने नंबर कम करते जाएँ और आपको देते जाएँ। तो भाई आप जीत जाते तो हम आपको जहाँ आप जेन्युइनली जीते हैं हम आपका मैंडेट तस्लीम करते हैं। हमें सारे तहफ़ात हैं कि आपने बहुत कुछ किया, हुकूमती ज़राए इस्तेमाल किए, आखिरी वक्त तक इलेक्शन वाले दिन सिंध हुकूमत के करोड़ों नहीं अरबों रुपए के इश्तहारात चले पिछले, हम उसके बावजूद भी कहते हैं कि चलें आप जीत गए जहां पर और आपने अपने नंबर पूरे कर लिए, चलो ठीक है आप जीत गए। मैं मालूम है ये पूरा इलेक्शन का निज़ाम कैसा है। जी अब ये जो इश्तहारात थे इस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी दिया फिर भी इन्होंने ये काम किया। आरोज़ के तकर्रुर और नॉमिनेशन के मौके पर इतने सारे सवालात मौजूद थे, इतने खतूत हमने लिखे लेकिन उस पर हमें उसका रिस्पांस नहीं मिला। हम फिर भी चाहते थे कि इलेक्शन हो, इसलिए कि प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। हमने वो कड़वा घूंट भी पिया। हमें डिलिमिटेशन पे एतराज़ात थे लेकिन हमारे एतराज़ात मान लिए जाते शायद अगर उस वक्त जो है वो हुकूमत के इत्तेहादी मजीद ना उनके साथ जाके बैठते और वह वक्त गुजार देते। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद हम इलेक्शन में गए। हमें वोटर लिस्टों पर एतराज़ात थे और वो 2013 में भी थे, 2018 में भी थे, 2015 में भी थे और तमाम ज़िन्नी इंतखाब जहाँ हमने तो हिस्सा नहीं लिया लेकिन बहरहाल एतराज़ तो था और बल्दियाती इंतखाब में भी थे। लेकिन हम उसके बावजूद भी हमने कहा कि नहीं, प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए।
लोगों को हक़ राय दही मिलना चाहिए, उनका मेयर मुंतखब करने का हक़ मिलना चाहिए। इतने कम्प्रोमाइज़ करने के बाद और इतनी जो नॉमिनेशन के वक्त लोगों के को डिसक्वालीफाई करने के लिए पूरे हुकूमती हरबे इस्तेमाल किए गए, आरओ को इस्तेमाल किया गया, उसकी निशानदेही हम कर चुके हैं, उस सब के बावजूद अगर इलेक्शन हो जाए और लोग हमें राय दे दें और आप उस राय के ऊपर अगर जब खून मारेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम नाजायज़ बात नहीं करेंगे, नाजायज़ क्लेम नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि जहां हमारे पास एविडेंस नहीं है वहां हम बर्दाश्त कर लेंगे। अगरचे कि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, सिर्फ जमात इस्लामी के एविडेंस से काम नहीं चलता, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, प्रिजाइडिंग अफसरों की जिम्मेदारी है, रिटर्निंग ऑफिसरों की जिम्मेदारी है कि अगर किसी पोलिंग एजेंट के पास भी कोई रिजल्ट नहीं हो, कोई पोलिंग एजेंट भी ना बैठा हुआ हो, तब भी वो ईमानदारी के साथ पोलिंग कराएं। पोलिंग एजेंट तो एक इजाफी चीज़ होती है जो हालात पर नज़र रखने के लिए होती है। इलेक्शन का अमला और इलेक्शन का प्रोसेस और उसको शफाफ बनाना पोलिंग एजेंट का काम नहीं होता, उसको शफाफ बनाना पोलिंग ऑफिसर का काम होता है, प्रिजाइडिंग अफसर का काम होता है, रिटर्निंग अफसर का काम होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है, सूबाई इलेक्शन कमीशन का काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक और कड़वा घूंट पीते हुए अगर कहीं पर आपने हमें धक्का दे दिया, कहीं आपने डिले किया और कोई किसी पोलिंग स्टेशन से फर्द निकल आया और हमारे पास रिजल्ट नहीं है तो हम क्लेम नहीं करते हैं। हमने 2018 में भी अपनी कुछ ऐसी जीती हुई सीटें थीं, मैं खुद जहाँ पर लड़ रहा था 2018 में, तो हमें मालूम है कि हम वहाँ जीत गए थे NA 250 से, लेकिन चूँकि हमारे प्रिजाइडिंग हमारे पोलिंग जो के वो थे एजेंट्स, उनको उस वक्त निकाल दिया गया था और कागज़ मेरे पास नहीं था, तो आप यकीन करें हमने कड़वा घूट पिया और हमने एक एहतजाज तो नोट करवाया लेकिन हमने क्लेम नहीं किया कोर्टों में जाके कि हम क्या धक्के खाते रहेंगे, चार चार साल यहाँ पर इस निज़ाम में लगते हैं। लेकिन ये हक तो हमें हासिल है कि जहाँ पर हमारे पास रिजल्ट मौजूद हो उस रिज़ल्ट के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। इसलिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कहता हूँ और इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूँ कि आप ज़बरदस्ती किसी को उसके हक़ से महरूम ना करें। ऐसी जो सीटें हैं, आप बात करना चाहते हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, बैठ जाएं और इस मसले को रिजॉल्व करें। हम हर वक्त के एहतजाज और हर वक्त के धरने कोई शौक़ से नहीं करते हैं, इसमें वक्त भी लगता है, सलाहियत भी लगती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, मौसमों के असरात होते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाम और वो कारकुनान मौजूद हैं जो इन सब को अंगेज करते हैं, लेकिन कभी कोई काम तरीके से भी तो करना सीख लें। सब कुछ करने के बाद भी आप आखिरी वक्त में भी डंडा चला रहे हैं और डंडी चला रहे हैं और जल्लू फेर रहे हैं, ये ना करें प्लीज़। और हमें हमारा हक दे दें और इस मसले को आइंदा चंद घंटों में रिजॉल्व कर लें। ज़ाहिर हमारा मशावरत का अमल भी जारी है और मैं अभी ज़ाहिर हमने कुछ लोगों को कहा कि आप आराम करें, अब जिम्मेदारान को मैं वापस बुलाऊँगा और मशवरा करूँगा कि इस तरह से मामला नहीं चलेगा। इस सब के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी शहर में नंबर वन पार्टी है। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों का जमात इस्लामी पर कितना बड़ा एतमाद है। पूरे इलेक्शन के सिस्टम को देख लीजिए, पूरे हुकूमत के रवैयों को देख लीजिए, नतायज के तरीक़ेकार को देख लीजिए और ये सब कुछ जो हो रहा है उस सब को देख लीजिए। उसके बावजूद भी अगर जमात इस्लामी नंबर वन पार्टी मौजूद है तो आप सोच सकते हैं कि लोगों ने जमात पर कितना बड़ा एतमाद किया है। ये लोगों का एतमाद हम पर कर्ज़ भी है और ये मैंडेट जो उन्होंने हमें दिया है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करें और उसके लिए लड़ें और आवाम को भी चाहिए कि इसमें हमारा साथ दें। बस यही बात मुझे अर्ज़ करनी थी। हम इंशाल्लाह अपना मेयर बनाएंगे और हम चाहते ये हैं कि अगर ठीक तरीके से इस प्रोसेस को तो हो सकता है हम सादा अक्सरियत ले लें, क्योंकि अभी रिज़र्व सीट्स बाकी हैं और रिज़र्व सीट्स में इंशाल्लाह ताला हम इतनी तादाद हासिल कर लेंगे जिसके नतीजे में हम सादा अक्सरियत से भी मेयर बना सकते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन अगर हमें इसका ऑप्शन मिलता है कि हम पार्टियों से बातचीत करें तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम मेरिट की बुनियाद पर बात करेंगे। हम ज़बरदस्ती किसी को छोटी पार्टी बड़ी पार्टी समझकर डील नहीं करेंगे। हम कराची के मफाद को सामने रखेंगे, हम कराची के आवाम के मफाद को सामने रखेंगे और हम आवाम से मशवरा भी करेंगे। इसलिए कि सिनेरियोज़ होते हैं, एक बात उसूली होती है और उसूली बात पर कायम रहते हुए हिकमत अमली के एतबार से, शहर की तामीर व तरक्की के एतबार से, हम जिस ऑप्शन को बेहतर समझेंगे उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमें इस हक़ से महरूम ना किया जाए कि जिसमें हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोई कोशिश करे। सारी कोशिशों के बावजूद ये काम हो तो नहीं पा रहा, लेकिन अगर ये ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो हमारे पास फिर एहतजाज और ज़ोरदार एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है।
और मैं फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की खिदमत में भी अर्ज करना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खिदमत में भी अर्ज करना चाहता हूँ और तमाम इलेक्शन के अमले की खिदमत में भी कि हमें मजबूर ना करें कि हम एक ऐसा एहतजाज करें कि जिसमें ये पूरा प्रोसेस ही सवालिया निशान बन जाए। इसलिए अच्छा है कि अब यह मामला आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखें सीधी सीधी बात है, फॉर्म 11 के मुताबिक रिजल्ट अनाउंस हो, नंबर एक। जहां पर इस तरह के वाकयात हुए, जैसे बल्दिया टाउन में वाकया हुआ, जैसे यहां पर UC7 में वाकया हुआ, जैसे UC1 सफूरा जो के टाउन की UC है उसका मसला है, उस मसले को इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं ज़ाहिर जो मुझे 20 वक्त याद है वो मैंने बताया, इस तरह के मसाइल को सॉर्ट आउट किए बगैर अगर वो ज़बरदस्ती आरोज अपना कोई नतीजा देंगे तो वो नतीजा कैसे कबूल किया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट तो अनाउंस कीजिए लेकिन फॉर्म 11 जितने मौजूद हैं और जितने इशूज़ मौजूद हैं उन इशू को रिजॉल्व करके जहाँ जहाँ मौजूद हैं उनको रिजॉल्व करें 2-3 घंटे के अंदर, और जिनके फॉर्म 11 मौजूद हैं फॉर्म 11 के मुताबिक रिज़ल्ट आना चाहिए। यह ना हो कि फॉर्म 11 कुछ और कहता है और आर ओ अपनी मर्जी से रिजल्ट अनाउंस कर दें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सूबाई इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से काम करें और जो रिजल्ट है उसी को अनाउंस किया जाए। तो ये सवाल तो किया मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सामने लाया जाए जी, जी यही मैंने कहा है कि नतीजा फौरन लाया जाए, यही कहा। नहीं मैं MQM पे तो अब ज़्यादा बात करके कराची के अवाम और मीडिया पर क्या वक्त अपना सर्व करूं, वो मीडिया को भी चाहिए कि पार्टियों के साइज़ के मुताबिक ही और जो इश्यूज़ होते हैं उस पर जेन्युइनली जो बात करें उसके मुताबिक ही वो उसको करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो लोगों का वक्त क्यों ज़ाया किया जाए मीडिया पर भी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि समझ लें कि इतने कन्फ्यूजन के बाद के आखिरी लम्हे तक 4 मरतबा मुलतवी होने के बाद भी सर पर बैठे हों के मुलतवी होने जा रहा है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है जमात इस्लामी की। दूसरी बात यह है कि जब ये इबहाम किसी ज़िमनी इंतखाब में बिल्कुल भी नहीं था तो इन लोगों ने कितने वोट ले लिए थे बताएं ना, ये ज़िमनी इंतखाबों में कितने वोट ले लिए। चलें ज़िमनी इंतखाब छोड़ें आप, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में तो जमात इस्लामी ने उनको हराया था ना, तो जमात इस्लामी ने तो वो पूरी तरह लड़े थे और उनको हराया था, ज़िमनी इंतखाबों में उनको वोट मिले नहीं। तो अब ये बात कहना कि हमने हिस्सा नहीं लिया तो इसलिए जीत गए तो ये बात नलीफाई हो जाती है और ये बात जो है वो ख़ुद उनके लिए मसला बनेगी। इनको अब ज़्यादा इस पर बात नहीं करनी चाहिए, अब कराची के अवाम जमात इस्लामी के साथ हैं, उनको ये बात कबूल कर लेनी चाहिए जी। नहीं मैंने तो आपको अर्ज़ किया है कि जमात इस्लामी अपनी अपने दायरे की मुशावरत करेगी और उसके साथ साथ अवाम के साथ भी मुशावरत करेंगे, इसलिए कि ये वोट हैं, वोट हमें जो मिले हैं ये अवाम की अमानत है और अवाम से भी हम राय लेने का मेकनिज़म बनाएंगे, हम ही बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रास रूट लेवल पर हमारा पूरा एक प्रोसेस मौजूद है तो हम इन दोनों की सूरतों में और शहर के मफाद को सामने रखते हुए वो फैसला करेंगे जिसके नतीजे में अवाम भी मुतमईन हो, उनको भी कोई इस पर परेशानी ना हो और उसके नतीजे में जो है वो शहर कराची की बेहतरी भी हो। तो हम ये चाहते हैं, इसीलिए हमारी ख्वाहिश है और हमें तो लोगों ने रिस्पांस दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये सब चीज़ें फैक्टर्स ना होते तो हमें तो सादा अक्सरियत आज मिल चुकी होती, ऐलान हो चुका होता, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स के नतीजे में ये रास्ता रोका जा रहा है, पहले इलेक्शन पे असर वगैरह वगैरह मैं सब बात कर चुका हूँ। तो इसलिए लेकिन अगर मिलने की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं,
हम पार्टियों से साफ साफ बात करेंगे, बरसर ज़मीन करेंगे, तहरीर में करेंगे, सबके सामने करेंगे, और उसके मुताबिक आवाम की मशावरत, अपनी पार्टी की जो भी हमारे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनकी उनके फ़ैसले और बरसर ज़मीन होने वाले फ़ैसलों के नतीजे में हतमी तौर पर कोई चीज़ फ़ैसला करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये फ़ैसला हमारे लिए, कराची के लिए, उसकी तामीर व तरक्की के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन होगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।